नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल EBTech में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं सारी अपडेट्स इस वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, साथ में जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि शिक्षक भर्ती की आपको सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होती है वहाँ पर भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। 69 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 23 मार्च को ये कहा गया था कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है थर्ड, वो एक महीने के अंदर करवा ली जाएगी, लेकिन अभी तक थर्ड काउंसलिंग की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। लगातार जिलों से जो है पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा था, लेकिन पदों का ब्यौरा अभी तक जुटाया नहीं जा पाया है। इसको लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज जो है थोड़ी सी उन्हें नाराजगी जताई इस पर। उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है, न्यूज 18 की तरफ से अपडेट दी गई है कि 69 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग का मामला बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काउंसलिंग लेट होने पर जताई नाराजगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दे दिए निर्देश, काउंसलिंग शेड्यूल तत्काल जारी करने के लिए 5000 से अधिक सीटों पर भर्तियाँ होनी हैं। दोस्तों हकीकत यही है कि अभी तक जो जिले हैं वहाँ से रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं आ पाया है, और यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि काउंसलिंग का शेड्यूल तत्काल जारी किया जाए। अब काउंसलिंग का अगर शेड्यूल जारी हो भी जाता है तो फिर किस तरीके से पदों को भरा जाएगा, क्योंकि जब पदों का ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं होगा तो फिर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कहाँ पर दी जाएगी, किस जिले में उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, सबसे बड़ा ये प्रश्न है। लेकिन उन्होंने कहा है कि तत्काल जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है कि शीघ्र से शीघ्र काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाए। तो क्या इस बार पहले काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा बिना रिक्त पदों की ब्यौरे के ही? देखना ये होगा किस तरीके से भी यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया आगे होगी, किस तरीके से काउंसलिंग करवाई जाएगी जब पदों का ब्यौरा ही सही सलामत नहीं है। खैर, जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। टीजीटी पीजीटी को लेकर के बात कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 वेटिंग लिस्ट का यहाँ पर मामला है, उसकी अपडेट आप लोग जानते हैं। मई में जो चयन बोर्ड द्वारा वेटिंग लिस्ट सभी विषयों की जारी कर दी गई, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों की वेटिंग लिस्ट थी। अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो governmentjobcenter.com के माध्यम से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मामला ये है कि जो लिस्ट जारी की है चयन बोर्ड में, उसमें DIOS को बड़ी समस्या आ रही है कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जाए। कारण ये है कि उसमें एक लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें वरीयता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के जो नाम रोल नंबर सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब कोई भी DIOS किस अभ्यर्थी को बुलाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर अभ्यर्थी पहले नंबर वाले अभ्यर्थी को DIOS द्वारा बुलाया जाता है तो दूसरे जिले के अभ्यर्थी भी पहले नंबर वाले को ही बुलाएंगे, तीसरे जिले के अभ्यर्थी भी पहले नंबर वाले को ही बुलाएंगे। तो जो पहला कैंडिडेट है उसके पास बहुत सारे जो लेटर हैं ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाएंगे, कहां कहां वो ज्वाइन करेगा, जबकि नीचे जो अभ्यर्थी हैं उनके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा ही नहीं। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर सुनने में ये आ रहा है कि कुछ गड़बड़ियां ऐसी भी की गई हैं कि कुछ अभ्यर्थियों की ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसके बाद भी उनका वेटिंग में नाम डाला गया है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। युवा मंच ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये जो आधारहीन विज्ञप्ति जारी की गई है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बीते 25 मई 2021 को PGT व TGT 2016 के प्रतीक्षा सूची तो जारी कर दी गई, लेकिन सूची के साथ जारी विज्ञप्ति में जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जिससे कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो पाना कभी भी संभव नहीं है। और इस विज्ञप्ति के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षकों ने भी अभ्यर्थियों से कहा कि हमें इस पर अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला है किस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलानी है। विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतीक्षा सूची के वरीयता क्रम एक वाले अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजेंगे, जिससे कि एक ही अभ्यर्थियों को कई बुलावा पत्र प्राप्त हो जाएंगे, जबकि सूची के अन्य कई अभ्यर्थियों को एक भी बुलावा पत्र निर्गत नहीं होगा। और तो इसी सूची में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्हें इसी विज्ञापन में नियुक्ति मिल चुकी है, उनके नाम भी बोर्ड द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को दोबारा नियुक्ति के लिए भेज दिए गए हैं, इसलिए इन अभ्यर्थियों को भी दूसरा नियुक्ति पत्र भेजा जा रहा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में नियुक्ति दी जाए, ऐसा प्रावधान करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, मनमाने तरीके से इस बार वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई। आगे लिखा है, जबकि 2013 भर्ती की बात करें
तो उसमें जो अवशेष पैनल के अभ्यर्थी थे उनको शिक्षा निदेशालय द्वारा काउंसलिंग करवाई गई, उसके बाद उनको कॉलेज अलॉटमेंट किया गया, वहाँ से वो लोग ज्वाइन करें। उसमें भी कुछ अभ्यर्थी अभी भी शायद पेंडिंग में है 2013 वाली में भी, लेकिन इस बार ऐसा 2016 वाली भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ एक लिस्ट जारी कर दी गई, बोला कि इसी से सब लोग ज्वाइनिंग कराओ। अब किस तरीके से ज्वाइनिंग करवाना उसकी पूरी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, वो सारे दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए। सबसे ज़्यादा समस्या DIOs की हो रही है और अभ्यर्थियों को भी हो रही है कि DIOs समझ नहीं पा रहे हैं कैसे ज्वाइनिंग देनी है और अभ्यर्थी इंतजार करते करते थके जा रहे हैं। इसको लेकर के चयन बोर्ड ने यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की थी 25 मई को पूरी तरीके से आधारहीन, उससे कोई भी मतलब नहीं है। चयन बोर्ड को चाहिए जिस तरीके से 2013 में ज्वाइनिंग दी गई थी 2013 वाले वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को, उसी तरीके से 2016 वाले अभ्यर्थियों की भी ज्वाइनिंग दी जाए, तभी कुछ यहाँ पर ठीक रहेगा। इसकी मांग की गई है कि उसी तरीके से यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है प्रक्रिया उसी तरीके से करी जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एक भारी धरना प्रदर्शन हुआ 5 जून को, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में भर्तियों का आंकड़ा जारी किया एक बार फिर से। अब 11 जून को UPPIT विज्ञापन के धरना प्रदर्शन होने वाला है। राकेश पांडे की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट दी गई है कि 11 जून महाआंदोलन, 11 जून सुबह 11 बजे एक बार सभी अभ्यर्थियों को फिर से ट्विटर अभियान के तहत इस हैशटैग को बिल्कुल इंटरनेशनली ट्रेंड कराना है। हैशटैग अभी यहां पर जारी नहीं किया गया है, जब जारी किया जाएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन 11 तारीख को 11 बजे UPPIT विज्ञापन के लिए एक बार फिर से ट्विटर पर कोहराम मचेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है LT ग्रेड ज्वाइनिंग को लेकर के। LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान ज्वाइनिंग को लेकर के काफ़ी दिनों से आप लोगों को अपडेट दी जा रही है। उस अपडेट के तहत 8 जून को धरना प्रदर्शन होने वाला शिक्षा निदेशालय में बहुत व्यापक रूप से, लेकिन आज ये अपडेट दी गई कि प्रशासन के साथ वार्ता हुई है और प्रशासन ने कहा कि ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, सिर्फ 15 से 20 लोग ही उपस्थित रहें। पुलिस प्रशासन अंजना गोयल से लेकर के लखनऊ तक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करवाएगा तथा LT के ज्वाइनिंग के मामले पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमने भी प्रशासन के साथ वार्ता में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि अगर एक सप्ताह तक हमारे मामले पर कार्रवाई या प्रगति नहीं हुई तो हम अगले सप्ताह और भी बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। तो इसलिए प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से अपडेट दी गई है कि जो भी दूर जिले के अभ्यर्थी हैं जिनको कल आना था 8 जून को, वो लोग ना आए। फिलहाल अभी सीमित संख्या में धरना प्रदर्शन होगा। अगले हफ्ते का हमारे इस केस पर, हमारे इस मैटर पर सुनवाई नहीं होगी, तो अगले हफ्ते जो बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये अपडेट LT ग्रेड को लेकर, कल 15 से 20 लोग शिक्षा निदेशालय जाएंगे और वहाँ पर क्या स्थिति है उस पर सारी वार्ता होगी। अंत में बात कर लेते हैं उन्नत शिक्षक भर्ती आरक्षण अपडेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं उन्नत शिक्षक भर्ती OBC आरक्षण में काफ़ी कुछ धांधली वगैरह हुई है, बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगते रहे हैं। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि उन्नत शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ जो है वो गड़बड़ी हुई है, आरक्षण घोटाले में घोटाला हुआ है और यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई कि इसको सही करा जाए और राज्यपाल से मांग की, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उसके लिए पूरा लेटर लिखा गया और ईमेल के माध्यम से लेटर जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजा गया है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या फिर इस विवाद को ठीक किया जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।